370 धारा 35 से आदमी तो कल हटेगी, यही कश्मीर का हल है। बीजेपी ने अभी ये कहा, अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी, मेरा कोई संबंध नहीं बीजेपी से, कहा तो लागू तो तभी होगा ना कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी करें, नहीं तो फिर अपना अख्तियार कनाए। नमस्कार, तालठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप, मैं हूं सचिन। जब से गृह मंत्रालय का प्रभार अमित शाह ने संभाला है तब से कश्मीर उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। 5 दिनों के भीतर वो कश्मीर को लेकर 3 बैठक कर चुके हैं। आतंकियों के साथ सख्ती का संदेश देने के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा भी की। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने को हरी झंडी दिखा दी है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ एमएस बिट्टा है स्टूडियो से, चेयरमैन एंटी टेररिस्ट फ्रंट, बहुत बहुत स्वागत है बिट्टा साहब आपका। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। विकास गुप्ता है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। शाह मोहम्मद तांत्रे हमारे साथ जुड़ेंगे, पीडीपी के नेता। शबनम लोन एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर मामलों की जानकार, हमारे साथ इस वक्त घाटी से जुड़ रही हैं। सुशील पंडित इस वक्त मुझे ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। लेकिन सबसे पहले एमएस बिट्टा, कि जिस सर्जरी की रिक्वायरमेंट बहुत वक्त से थी, हम उस सर्जरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उसी सर्जरी से बौखलाए हुए ये कुछ लोग हैं जो आज पत्थर उठा रहे थे। देखो, पहले तो मैं पूरे देशवासियों को और खासतौर पर शबनम लोन जी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। देखो, आज शबनम लोन जी ने जिस तरीके से शुरुआत की है, मैं समझता हूं कि मैं उनसे ना ही बहस करूं आज के दिन तो अच्छा है। उन्होंने आज तलखी वाली बात की शुरुआत नहीं की है, ईद को लेकर के जो उन्होंने कहा है कि इन्होंने, हम अपसेट हैं इस चीज को लेकर, हम सबको इसकी तकलीफ है। जिस दिन जम्मू कश्मीर का हमारा मुस्लिम भाई, जम्मू कश्मीर का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मंच पे खड़ा होकर पंजाब की तरह ये कहेगा ये टेररिज्म है, ये बेगुनाहों के कातिल हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, मिल करके इनके खिलाफ लड़ना है, तो समस्या बिल्कुल समाप्त है। जहां तक शुक्ला जी ने चर्चा की, शुक्ला जी की बात में पूरा दम था, उसमें कोई कमी नहीं थी। शुक्ला जी ने आखिर में यही कहा, बीजेपी के हो सकते हैं, शबनम लोन जी अलग पार्टी से कोई अपना सोशल हो सकते हैं, पर विचार एक है। उन्होंने आखिर में क्या कहा, सबका विकास, सबकी बात, हम कश्मीर को के वहां के लोगों को तबाह करना चाहते हैं। कश्मीर को, कश्मीर में जाया करते थे तो लोग कहते थे जम्मू कश्मीर जन्नत है, आज हमारे जवानों पे पत्थर फेंके जाते हैं। आज का दिन कौन सा है? मोहब्बत का दिन है, सेक्युलरिज्म का दिन है, आपस में इकट्ठे होने का दिन है, और आज के दिन किसी बेगुनाह हमारी बहन को मारा जाए और पत्थर फेंके जाए। पूरी दुनिया के अंदर ईद मनाई जा रही, सुबह से हम लोगों को फोन कर रहे हैं, लोगों के फोन सुन रहे हैं, ईद मुबारक। पर शुक्ला जी ने जो बातें कही हैं उस बात में बिल्कुल दम है। पंजाब में भी ऐसे आतंकवाद को समाप्त किया था और बिल्कुल ऐसे समाप्त किया था पंजाब के अंदर, तो वहां भी हमने करना है। पर किसी बेगुनाह का खून नहीं, जो गुनाहगार है, जिस तरीके से 10 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है, उनके खिलाफ लड़ना है, जो पूरी मुस्लिम कौम को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे कश्मीर को तबाह बदनाम करने की। पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है, बिल्कुल क्लियर बात है कि वहां पे 370 धारा 35 ए की चर्चा हो। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध करती है वो देशद्रोही पार्टी होगी, वो हमारे जवानों की कातिल होगी, वो पुलवामा में जवान जो शहीद हुए हैं उनकी कातिल होगी। पूरी दुनिया को पता तो चले, पूरे देश को पता तो चले कि पॉलिटिकल पार्टियां मुंह से कुछ कहती हैं, अंदर कुछ कहती हैं, सामने पार्लियामेंट के कैमरे चलते हो, लाइव चलता हो, पता चल जाए। बीजेपी ने अभी ये कहा, अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी, मेरा कोई संबंध नहीं बीजेपी से, कहा तो लागू तो तभी होगा ना कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी करें, नहीं तो फिर अपना अख्तियार कराएं राज्यसभा का और अगले साल में आने वाला अपनी अख्तियार कराएं। तो बार बार ये कहना 370 धारा हटाएंगे नहीं हटेगी, तो ये बात एक बात ध्यान रखिए, 370 धारा 35 से आदमी तो कल हटेगी, यही कश्मीर का हल है। कैसे अगर 370 धारा हटाने की मैडम बात करेंगे, 35 की बात करेंगे तो वो आतंकवादी कहलाएंगे? नहीं, मेरा एक सवाल है, क्या वो आतंकवादी कहलाएंगे? इन लोगों का काम है
इन लोगों का काम है शिकन पैदा करना, इन लोगों का काम है शिगाफ पैदा करना। ये लोग आपका काम है बेगुनाहों का कत्ल करने वाले, उनका काम क्या है आप बताएंगे? नहीं, पत्थरबाजों का काम क्या है जो पुलवामा में हमला करते हैं, उनका काम क्या है? मेरा सवाल है, उनको सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। जो किसी बेगुनाह का कत्ल करते हैं उनको सजा होनी चाहिए। वो कौन है बोलिए, आप इतना बोलिए, वो आतंकवादी है बोलिए ना, अगर आप बदनाम बोलिए वो आतंकवादी है, एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम, वो बटके हुए हैं, कॉमनल प्रॉब्लम। अहले हदीस का इन्होंने ब्यौरा दिया तो हिंदू सनातन संस्था भी बंद होनी चाहिए, जिन्होंने हिंदू संगठन ने क्या किया? मेरा सवाल है, कश्मीर में हिंदू सनातन मुसलमान भी हमारा भाई है, हिंदू भी हमारा भाई है। सनातन संस्था अगर आप आपकी ईद है तो ईद हमारी भी है, याद रखिएगा, गलत फहमी में मत रहिएगा। हिंदू संगठन क्या? हिंदू संगठन किस हिंदू संगठन की बात करते हैं? किस हिंदू संगठन की बात करते हैं? आज ईद ईद मुबारक हो। अगर मैं बताऊं, ये इसी चीज की फ्रस्ट्रेशन थी शबनम, ये इसी चीज की फ्रस्ट्रेशन थी कि कैसे अलगाववाद और आतंकवाद सिर्फ दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिमट करके कैसे रह गया।